मैं गोस्वामी सर, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे, और आज हम नए वीडियो लेकर आए हैं जिसके तहत हम डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण पार्ट को देखेंगे। इसमें जो प्रीवियस वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे कि फोर डायरेक्शन और उसका फोर सब डायरेक्शन, उसके साथ साथ एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, कोण से रिलेटेड 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उससे साथ पढ़े थे कोण, ठीक है। कोण में जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड जो देखे थे, ठीक। उसके साथ साथ सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, जैसे सनराइज, सनइस्ट, तो इसका सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। अब उस बेसिक कॉन्सेप्ट का हम प्रश्न यहां पर हल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, जिसे देखेंगे कि बनता है कि नहीं। देखो, जो मेरा इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो मेरे जो पिछले वीडियो है डायरेक्शंस का फर्स्ट पार्ट, उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, इजी जाएगा, सरल होगा। उसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था, तभी ये आपसे थोड़ा इजी वे में बनेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण पार्ट टू के तहत पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसके तहत मैं दो तीन ट्रिक भी बताऊंगा। देखते हैं क्वेश्चंस। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाता है, वहां से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, दाया मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, बाया मुड़ता है, आगे जाता है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। देखो, किस दिशा में जा रहा है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको लास्ट में जाना है, सीधे डायरेक्ट लास्ट में जाना है कि पूछ क्या रहा है, क्या वो दूरी भी पूछा है कि सिर्फ दिशा ही पूछा है। तो पहले आपको यहां जाना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो जब किस दिशा में जा रहा है तो किलोमीटर सिर्फ ये बताने के लिए दिया है, ठीक है, देखेंगे आगे अभी। तो किस दिशा में जा रहा है ये हमें पता चल गया, अब बनाते हैं इसका, ठीक है। एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति ले लेते हैं, राम, श्याम, घनश्याम, जो भी हो, ठीक है, घर से निकलते हैं और दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, सॉल्यूशन ना फर्स्ट का। देखो, एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, ठीक, की ओर 3 किलोमीटर जाता है, यहां पर लिखेंगे 3 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा नीचे बना देते हैं, ये 3 किलोमीटर है ना। देखो, जैसे कि देखे थे हम डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसका 4 डायरेक्शन देखे थे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ये आपका डायरेक्शन है, ठीक। तो इसमें दक्षिण की ओर व्यक्ति कहां जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है, वहां से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब पश्चिम इधर होगा कि इधर होगा, ठीक है, तो देखो ये दक्षिण हो गया, पश्चिम ये होगा, तो इधर पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर जाता है, वहां से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ये ऐसा आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान देना है, जैसे ये है 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर भाई बड़ा रहेगा 2 किलोमीटर से, तो ये जो रेखा खींचेंगे वो 3 किलोमीटर है बड़ा है, और ये 2 किलोमीटर छोटा है, हमेशा ऐसे खींचना है आपको, ठीक है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, ठीक है। फिर जाते हैं दाया मुड़ता है, ठीक, ये देखो वहां से क्या कहता है, दाया मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो दाया अगर ऐसे है ये जा रहे हैं, तो दाया मतलब राइट, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर, तो हमें कितना किलोमीटर, राइट वो करना होता है, दाया मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दाया मुड़ देते हैं 4 किलोमीटर, ये 3 है तो इसे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ठीक। फिर उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, ठीक, ये 4 किलोमीटर यहां तक था और फिर उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है,
बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है और आगे जाता है। देखो बायां मुड़ता है, लेफ्ट टर्न लेता है और बायां मुड़ा, बायां ऐसे है मतलब बायां इधर ही होगा, तो बायां मुड़ता है और आगे जाता है, बताया नहीं ना कितने किलोमीटर, और आगे जाता है। वो सिर्फ पूछा है वो किस दिशा में जा रहा है, पूछा क्या है किस दिशा में जा रहा है, तो भाई ये क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया इधर, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, फिर इधर क्या हो गया पश्चिम, ये नहीं पूछा है कि यहां से किस दिशा में है, ध्यान रखना है। अगर पूछता वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में जाएगा, ये सीधे उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है वह किस दिशा में जा रहा है, ऑनली ये किस दिशा में जा रहा है ना, किस दिशा में जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा पश्चिम, आंसर क्या होगा पश्चिम, पश्चिम या इसे हम वेस्ट कहेंगे। समझ में आया क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो ये हो गया बनाने का विधि पहला, ठीक। दूसरा ये होता है देखो ट्रिक, ट्रिक ट्रिक क्या है कि जितने बार वो बोला, जैसे दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, वहां से वो पश्चिम की ओर जाता है, अब दक्षिण से कितना जा रहा है, पश्चिम मतलब क्या कटा, राइट कटा, मतलब राइट टर्न लेगा ना, पश्चिम दिशा मतलब ये दक्षिण हो गया, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है और इधर क्या कर रहा है वो पश्चिम की ओर जाता है मतलब राइट हो गया, ठीक है, राइट टर्न लिया, फिर दायां मुड़ता है, फिर राइट होता है, ये दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, फिर बायां मुड़ता है, ठीक है, फिर कहां मुड़ता है, बायां मुड़ता है, तो बायां मतलब लेफ्ट, ये ट्रिक है ना, ट्रिक से समझना है इसको, ठीक है। अब देखो पहले वो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर पहले दक्षिण दिशा 3 किलोमीटर गया, फिर वो पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है मतलब दायां टर्न लेता है, हम आर दिए, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ जा रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, दायां मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, दायां मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, तो दायां मतलब राइट लिया, फिर क्या होता है उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, तो उसी दिशा में जा रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फिर बायां मुड़ता है और आगे जाता है, फिर यहां जाकर 3 किलोमीटर गया, फिर बायां मुड़ता आगे जाता है, बायां मतलब लेफ्ट। तो ये देखो जब भी ऐसा निकालना है जितना भी टर्न दिया जाएगा उस टर्न को ले लेना है राइट, राइट लेफ्ट, ठीक है, जैसे कि यहां पर दायां बोला तो राइट लिए है, यहां पर बायां बोला लेफ्ट लिए है, लेकिन यहां पर पश्चिम बोला है, पश्चिम मतलब राइट ही होगा ना भाई, दक्षिण से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो राइट ही होगा, तो राइट राइट ए मतलब लेफ्ट। अगर ऐसा आया तो इसमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है आर और एल का, कितना जोड़ी बनता है, तो जो जोड़ी बन रहा है उसको कट कर दो, अब क्या हो रहा है ये आर बच रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, तो फर्स्ट जो डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, दक्षिण की ओर, ठीक है, और दक्षिण की ओर जाता है मतलब इसका एक राइट टर्न ले लो, राइट मतलब कहां होगा पश्चिम, तो आंसर क्या होगा इसका वेस्ट, वेस्ट या पश्चिम, ये ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक ये हो गया कि आपको जो डायरेक्शन जितना टर्न बोलेगा लेफ्ट राइट टर्न आप यहां पर लिख लेना, और जोड़ी बनाना है आर और एल का, जितना जोड़ी बनता है उसको कट कर देना, और जो बचेगा उसको जो स्टार्टिंग का डायरेक्शन रहता है जिस दिशा में वहां से उसको करना, ठीक है, जैसे लेफ्ट प्लस लेफ्ट जो बचेगा, चाहे वन लेफ्ट बचता, सपोज यहां पर अगर लेफ्ट बचता तो इसका हम क्या करते, दक्षिण से हम इसका लेफ्ट कर देते, तो मतलब ये पूर्व दिशा की ओर जाता, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायां मुड़ता लेफ्ट टर्न लेता है, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा वेस्ट होगा। समझ में आया, एक डायरेक्शन ये होता है। एक चीज समझना है, जब भी अगर वो बोलता है कि 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहां तो बता दिया गया है किलोमीटर, दायां मुड़ता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई टर्न लेगा, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री ही टर्न लेगा। समझ में आ रहा है, 90 डिग्री ही टर्न लेगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर दिए वो टाइप, जैसे कि ये गया 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, यहां बता दिया गया, फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो यहां पर आपको 90 डिग्री ही लेना है, जब भी टर्न बोला मतलब 90 डिग्री ही लेना है। समझ में आया, 90 डिग्री में ही आपको क्या करना है, टर्न करना है। समझ, ये नहीं कि 45 डिग्री आप टर्न किए, है ना, ऐसा नहीं करना कि नहीं ये बोला है तो मैं सिर्फ इतना ही मुड़ू, या फिर ये बोला है मतलब मैं यहां से मुड़ू, ऐसा नहीं,
आपको 90 डिग्री ही टर्न लेना है। समझ में आया? आगे आप जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही आप में परफेक्शन आते जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के तहत, ठीक। देखो ये क्वेश्चन एंगल से भी बन जाएगा ना, एंगल से भी आप बना सकते हो, कोण से भी बना सकते हो, ठीक। फिर दूसरा देखो, ज्यादा अच्छा है कि आप ट्रिक में मत जाओ, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी में बनता है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी से नहीं बनता। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप डायग्राम बना लो और डायग्राम बनाकर उसको क्या करो, आप सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये होगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ट्रिक में आप कर सकते हो। ट्रिक कब फायदा होता है, कब अच्छा होता है, जब उसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर वो क्वेश्चन देखते ही आपसे बन जाएगा। और इसमें ऐसा है कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, कैसा भी क्वेश्चन दे घुमाकर, जैसा भी क्वेश्चन दे आप, ये आपसे बनेगा, ठीक। तो ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा अच्छा होगा कि आप जो ट्रिकी में मत जाओ, ऐसे आप सॉल्व करके बनाओ। देखो राजेश का देखते हैं, राजेश अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा, ठीक है, की ओर जाता है। ये जैसे ईस्ट की ओर जाता है, राजेश, राजेश का बनाते हैं यहां पर, ठीक है। ये राजेश है, राजेश का घर है पूर्व दिशा की ओर, 400 मीटर जाता है, तुरंत डायरेक्शन बना लो, ठीक है, 400 मीटर जाता है, ठीक, एम मतलब मीटर समझना। फिर दायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है मतलब इधर की इधर, इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, दायां मुड़ता है, ठीक है। 300 मीटर जाता है, तो इसके ये 400 है तो 300 कितना होगा, छोटा होगा ना भाई, 300 मीटर दायां मुड़ता है और 300 मीटर जाता है, पुनः दायां मुड़ता है 200 मीटर जाता है। अब ऐसा है, ठीक, तो इसका दायां राइट किधर होगा, कितना मीटर जाता है, 200 मीटर जाता है, तो इसका आधा, 400 का 200 क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। फिर पुनः दायां मुड़ता है 200 मीटर जाता है, ठीक। फिर दायां मुड़कर 500 मीटर जाता है, ठीक है, फिर दायां मुड़कर 500 मीटर जाता है, तो ये 300 था, ये भी क्या हो जाएगा, 300 होगा, और इधर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो टोटल कितना, 500 मीटर, ठीक है। ये 300 है, ये 200 है ना, दिख नहीं रहा होगा, ठीक, और ये 400 है टोटल, 400 मीटर पहला था, ठीक है। ये 500 मीटर दायां मुड़ता है जाता है, अंत में दायां मुड़कर अब आगे चल जाता है, अंत में दायां मुड़ता है, बताया नहीं ना कितने, और आगे चला जाता है। तो बताइए राजेश किस दिशा की ओर जा रहा है, क्वेश्चन से, ठीक है, पहले बताया कि क्वेश्चन देख लेना किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पूर्व की ओर ही जा रहा है, ईस्ट की ओर। देखो राजेश अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर, ये राजेश है, घर है, घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर 400 मीटर जाता है, 400 मीटर चले गया, दायां मुड़ता है, जाने के बाद दायां मुड़ता है, 300 मीटर जाता है, चले गया, पुनः दायां मुड़ता है, 200 मीटर चले गया, दायां मुड़ता है, 200 मीटर चले गया, फिर दायां मुड़कर 500 मीटर जाता है, जाता है, अंत में दायां मुड़कर आगे चले जाता है। तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यह था पहला, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्थित या किस दिशा में है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थित या किस दिशा में है, इसमें डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, डिग्री, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। देखो कहां पर स्थित या किस दिशा में है, ठीक है, देखते हैं, इसका दो प्रकार बताऊंगा मैं, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति सूर्योदय के समय मतलब सनराइज के समय योगा की स्थिति में खड़ा है, वह 3 बार दायां मुड़ता है, ध्यान रखना ना, दायां मतलब राइट टर्न लेता है, वहां से घड़ी की विपरीत दिशा में वह 180 डिग्री मुड़ता है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है ना, इसमें डिग्री वाला, सूर्यास्त वाला, सनराइज और सनसेट दोनों क्वेश्चन मिलेगा। तो किस दिशा में है या कहां स्थित है, ये वाला देख रहे हैं। देखो एक व्यक्ति सूर्योदय के समय योगा की स्थिति में खड़ा है,
वह तीन बार दाएं मुड़ता है, वहां से घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री 180 डिग्री क्या करता है, मुड़ता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो हल देखते हैं या सॉल्व, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि आपको मालूम है ये 360 डिग्री का होता है, देखे थे पिछले वीडियो में, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 180 डिग्री, ठीक है, और इसे हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, 90, 90, 90, 90, ठीक है, ये तो मालूम है कॉन्सेप्ट आपको क्या कैसा है। और बताया हूं कि तीन बार मुड़ता है मतलब हमेशा टर्न में क्या करना है, कितने डिग्री लेना है, 90 डिग्री का टर्न लेना है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब देखते हैं योगा की स्थिति में किसके सूर्योदय का समय, तो सूर्य का उदय, जैसे ये हम नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो सूर्योदय कहां होता है, सर है समेता किसमें होता है, हमेशा ईस्ट में होता है, ठीक है, पूर्व में उदित होती है, तो पूर्व की ओर वो यहां पर है, पूर्व की ओर मुख करके क्या है, खड़ा हुआ है योगा करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए। तीन बार दायां मुड़ता है, ठीक है, ये है, तो एक टर्न लिया, फर्स्ट टर्न 90 डिग्री दायां, ना दायां मुड़ना है, हम ऐसे हैं ईस्ट की ओर, तो फर्स्ट टर्न 90 डिग्री, फिर ये क्या बोला है, तीन बार मुड़ता है, तो फिर यहां पर दूसरा टर्न 90 डिग्री, ठीक, और फिर ये यहां पर तीसरा टर्न 90 डिग्री, तीन बार मुड़ा मतलब 90 डिग्री लेना है बोला था, ठीक है, राइट टर्न लेना है। अब यहां पर वो क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है। एक व्यक्ति सूर्योदय के समय योगा की स्थिति में खड़ा है, वह तीन बार दायां मुड़ता है, वह तीन बार, एक बार दायां मुड़ा, दूसरा बार दायां मुड़ा, तीसरा बार दायां मुड़ा, ठीक है, वहां से घड़ी की विपरीत दिशा में वह 180 डिग्री मुड़ता है। अब ध्यान देना है, ये जैसे 360 डिग्री है, ठीक है, आप यहां पर हो, ठीक, चाहे आप देखो ये यहां पर हो 180 डिग्री मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, यहां पर आओगे 180 डिग्री, तो भाई आप चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, मतलब तो एक ही है ना, आप चाहे क्लॉकवाइज चलो या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मतलब जो यहां है वो यहां आ जाएगा, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो ये यहां है 180 डिग्री विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो विपरीत दिशा में यहां जाता है 180 डिग्री में, ठीक है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, अरे वापस घूमकर आया 180 डिग्री, तो उत्तर की ओर था, अब ये क्या हो गया, दक्षिण मतलब साउथ की ओर, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ, दक्षिण में है, समझ में आया, ठीक। अब देखो इसका ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी कैसे करना है, आपको मालूम है 360 डिग्री होता है कोण, ठीक है, अब क्या करना है, तीन बार दायां मुड़ा, दायां मतलब क्लॉकवाइज, तीन बार दायां मुड़ा, आपको क्लॉकवाइज भी इसी में हो जाएगा, तीन बार दायां मुड़ा मतलब देखो क्लॉकवाइज चलेगा, दायां मुड़ना मतलब मैं बोला हूं कि हम हमेशा क्लॉकवाइज में, हमेशा हमें क्या लेना है, राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा लेफ्ट टर्न होता है, पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक, तो देखा गया तीन बार वो दायां मुड़ा, तो तीन बार मतलब 90 डिग्री बोला हूं, 90 डिग्री इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, 270 डिग्री, ठीक है, राइट टर्न लिया है, राइट दायां, तो इसको क्या कर लेते हैं, प्लस लिख देते हैं, ठीक है। अब वहां से विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री अंश मुड़ता है, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री मतलब माइनस, समझ में आया, देखना ट्रिक इधर, 270 कहां से आया, तीन बार टर्न लिया तो 90 90 90, तो 90 3 जा 270, ठीक है, उसके प्लस में है ये माइनस, और इसको क्या कर दो, 270 प्लस को 180 में माइनस कर दो, तो कितना आएगा,
ये नाइन, ये जीरो हो गया और ये ऐसे गया, तो कितना आएगा, ये नौ बचा और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बचा हमारे पास, प्लस में बचा ना, प्लस क्या है 90, ठीक है। अब वो आपको मालूम है ना, देखो आपको मालूम है ये प्लस में आ रहा है, तो आपको आंसर कैसे लेना है, आपको मालूम है एक व्यक्ति सूर्योदय के समय योगा की स्थिति में खड़ा है, ठीक, व्यक्ति ये देखो चार डायरेक्शन है, व्यक्ति ईस्ट की ओर खड़ा है, ठीक है, आपका आंसर क्या रहा है, 90 प्लस आ रहा है, तो सीधे एक प्लस कर दो 90 को, ठीक है, आपका आंसर क्या है, दक्षिण, आंसर क्या है, दक्षिण आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण हो गया, कौन सी दिशा में है उसका चेहरा, तो दक्षिण दिशा में है, समझ में आया कैसे आंसर लेना है, ठीक है। एक बार और देखो, देखो एक व्यक्ति सूर्योदय के समय योगा की स्थिति में खड़ा है, तीन बार दायां मुड़ा, तीन बार दायां मतलब प्लस में है, ठीक है, तो 90 90 90 तीन बार कितना होता है 270 डिग्री, ठीक है, इसको प्लस में लेते हैं क्योंकि दायां मुड़ा है, और घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मतलब माइनस लिए हैं, ठीक है, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो दोनों को माइनस किया तो प्लस 90 आया, ठीक है, प्लस 90 इसलिए आया क्योंकि भाई ये 270 है प्लस में है और 180 माइनस करोगे 90 ही तो बचेगा ना, ठीक है। अगर सपोज यहां पर ये माइनस होता ये प्लस, ठीक है, जो ज्यादा रहेगा उसी का सिंबल यहां पर लेना है, ठीक है, जैसे कि ये माइनस होता और ये प्लस होता, ठीक, तो माइनस करने के बाद जो 90 बचता वो माइनस में लेते, समझ में आ रहा है, और माइनस में लेते हमें लेफ्ट टर्न लेना पड़ता तो फिर आंसर उसका उत्तर आता, तो हमारा आंसर दक्षिण है। यहां पर जब भी हम बात करेंगे जो ज्यादा है प्लस में है उसको उसी का सिंबल यहां पर लेना है, समझ में आ रहा है, जो ज्यादा है, ठीक, माइनस करना है, ये सिंबल तो ऐसी है, देख लेना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आ गया प्लस, प्लस में, तो हमने क्या किया, ईस्ट में खड़े हुए हैं स्टार्टिंग में और 90 प्लस कर देना, सीधे कहां जाएगा, दक्षिण, ये ट्रिकी है, समझ में आया, चलो ट्रिकी से इसको भी बना देते हैं, ठीक, दूसरा का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, दूसरा का, एक व्यक्ति सूर्यास्त मतलब सनसेट के समय अपनी परछाई की ओर पीठ करके खड़ा है, ठीक है, देखते हैं, अभी बताता हूं ये क्या है। वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, वहां से घड़ी की दिशा में 270 डिग्री आगे घूमता, आगे मतलब घड़ी की दिशा में, अंत में एक बार बायां मुड़ता है, अब उसका चेहरा किस ओर है, अब उसका चेहरा किस ओर है, ठीक है। चलो एक व्यक्ति है, ये सनराइज, सनराइज है और ये सनसेट है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है सूर्यास्त के समय अपनी परछाई की ओर पीक करके, तो भाई आपका परछाई सूर्योदय के समय आपका फेस जब सूर्य की ओर रहेगा तो परछाई आपका पीठ की तरफ तो बनेगा ना, है ना भाई, अगर मैं सूर्य को ऐसे देख रहा हूं तो मेरा जो परछाई है पीछे ही बनेगा, बस इसमें ही बताने के लिए परछाई की ओर पीठ करके कहे, तो भाई मेरा पीठ है उधर ही तो परछाई बनेगा, इसका कहने का मतलब कि मेरा चेहरा अभी कहां है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर मतलब सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त की तरफ में खड़ा हूं, परछाई की ओर पीठ करके खड़ा है, ठीक है। वह अपने बाईं ओर, ठीक, जैसे एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय अपनी परछाई की ओर पीठ करके खड़ा है, वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, वहां से घड़ी की दिशा में 270 आगे घूमता है, तो अंत में एक बार बायां मुड़ता है, अब उसका चेहरा किस ओर है, ठीक है, किस ओर है, अब देखते हैं, ठीक। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय अपनी परछाई की ओर पीठ करके खड़ा है, ठीक है, सूर्यास्त क्या है, ठीक, अपने परछाई की ओर पीठ करके खड़ा है, देखो इसका ट्रिक से निकाल लेते हैं। वह अपने बाईं ओर 90 घूमता है, बाईं मतलब क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं हमेशा राइट टर्न मतलब घड़ी की दिशा मतलब राइट प्लस होगा और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब माइनस होगा, तो बाईं ओर 90 घूमता है, चलो देख लेते हैं, बाईं ओर 90 डिग्री, बाईं मतलब
वहां से घड़ी की दिशा में 270, तो घड़ी की दिशा में 270, ठीक है, आगे घूमता है, अंत में एक बार बायां मुड़ता है, ये चीज को ध्यान देना है ना, अंत में एक बार बायां मुड़ता है, ठीक है, दो बार बायां, अब उसका चेहरा किस ओर है, ठीक, अब उसका चेहरा किस ओर है, तो ये क्या हो गया 180 हो गया। अब दोनों को देखते हैं क्या आता है इसमें, ठीक है, तो बाईं ओर 90 घूमता है, वहां से घड़ी की दिशा में 270 आगे घूमता है, अंत में एक बार बायां मुड़ता है, ठीक है, अंत में एक बार बायां मुड़ता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ये 0 और ये 90, तो 90 क्या है, प्लस है कि माइनस है, हाँ तो ये प्लस में है। अब ये देखो इसका परछाई किधर है, फेस किधर है, वेस्ट की ओर है, तो इसका फेस किधर चले जाएगा, वेस्ट की ओर है ना, ठीक है, पीट करके खड़ा है, परछाई की ओर पीट करके खड़ा है, तो इसका जैसे कि ये वेस्ट में है, तो ये इसका 90 प्लस कर दो, मतलब हमेशा राइट टर्न लेना है घड़ी की दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर, ये ट्रिकी शॉर्ट हो जाएगा। ये देखो एक बार देखते हैं, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय अपनी परछाई की ओर पीट करके खड़ा है, सूर्यास्त के समय मतलब सूर्य को देख रहे हैं तभी परछाई पीट दिखेगा, वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, तो बाईं ओर मतलब विपरीत दिशा में घूमता है, वहां से घड़ी की दिशा में ये लिख दिया गया है, घड़ी की दिशा में 270 आगे घूमता है, घड़ी की दिशा मतलब प्लस हो गया, फिर घूमता है, अंत में एक बार बाईं पार बायां मुड़ता है, मतलब पता है 90 डिग्री हमेशा टर्न है, क्या होगा 90 डिग्री माइनस आ गया, दोनों को प्लस किया 180 माइनस हो गया, अब उसका चेहरा किस ओर है, तो देखो 270 और 180 में जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 प्लस बचेगा 270 में, 180 माइनस को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 प्लस, तो हमारा जब वेस्ट की ओर है हमारा फेस, ठीक है, तो ये इधर हम प्लस करते हैं 90 तो क्या होगा, नॉर्थ होगा आंसर, समझ में आया, ठीक है, तो ये इसको आप बना सकते हो, ठीक, जैसे कि बात करते हैं इसका, ठीक, ये तो ट्रिकी हो गया, अब इसका लॉन्ग देखते हैं, जैसे सूर्यास्त का है, सूर्यास्त का समय, ठीक, वेस्ट है, अब बाईं 90 घूमता है, तो बाईं बाएं का तो 90 मतलब दक्षिण की ओर आ गया, ठीक है, 90 डिग्री मतलब दक्षिण आ गया, वहां से घड़ी की दिशा में, यहां से घड़ी की दिशा में ये हो गया 90, ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 90 और ये हो गया 90, ठीक, ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 90 और ये हो गया 90, तो 90 90 90 मतलब 270, ठीक है, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। अब फिर क्या कर रहा है, अंत में एक बार बाएं मुड़ता है, ये हो गया, यहां पहुंच गया वो, अंत में बाएं मुड़ता है एक बार, ठीक है, अब उसका चेहरा किस ओर है, उसका चेहरा उत्तर की ओर है आंसर, तो जैसा भी हो आप बना सकते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।